जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत। अभी क्या 37 बीघे की आपने? क्या ये 37 बीघे ना वाली? मेरे को नहीं मालूम। 37 बीघे अभी पूछा ना। अच्छी बीघे। हाँ, और आज दिनांक है? दिनांक है भैया आज। दादा आज वार क्या? आज तारीख क्या? तारीख बोलो इधर। 15 तारीख है ना आज। आज वार क्या है? शुक्रवार है। बोलो जय जवान जय किसान जय बलराम। तो आज है वार, आज 15 तारीख है और वार है शुक्रवार। हम देखने वाले हैं इंदौर मंडी में आखिर नए प्याज का क्या भाव है। किसान भाई, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, इस वाले वीडियो में आपको पूरा नया प्याज का भाव मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि भाव अगर देखें तो अच्छा वाला जो है वो 35 रुपये से लेकर 40 रुपये तक गया है। बाकी उसके अलावा 30 से 35 भी है, थोड़ा उससे अगर थोड़ा डैमेज वाला है। तो कहने का मतलब ये कि भाव लगभग लगभग कल जैसा ही है, कोई उसमें मुझे कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। शीशे सर आवक के 50-60 हज़ार कट्टों के आसपास, नई की बात कर रहा हूँ पूरी तरह से मैं। और दादा, और उसके अलावा अगर बात करें तो अगर आवक के जो आ रही है उसमें अगर ज़्यादातर माल अगर हम देखें तो वो उसमें ख़राब मात्रा में भी आ रहा है, कहीं ना कहीं अच्छा भी आ रहा है ख़राब भी आ रहा है। और अगर ओवरऑल जब हम किसान भाइयों से हमने बात करी तो उनने बहुत सारी जानकारी दी हमको कि आखिर चाहे वो खंडवा के किसान भाई हो, चाहे महाराष्ट्र के किसान भाई हो, चाहे वो राजपुर की तरफ के किसान भाई हो, एक चीज़ क्लियर आ रही है इस चीज़ में कि ज़्यादातर किसान भाइयों का माल जो है वो ख़राब हुआ है। उनका बोलना ये आ रहा है कि 60 से 70%, या जो महाराष्ट्र के किसान भाई टका बोलते हैं तो 60 से 70% कहीं ना कहीं माल ख़राब हुआ है। दूसरी चीज़, इस वाले वीडियो में हमने किसान भाइयों से जब बात करी तो उसमें कहीं ना उनका दर्द, उनका इमोशन भी देखने को मिला कि यार इस बार क्या करेंगे, इतना माल ख़राब हो गया। एक तो पैदावार का हमको दिक्कत आया है, दूसरा जब पैदावार तो चलो कम हुई हुई है, जो पैदावार हुई उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी जो प्याज की फसल है वो ज़्यादा मात्रा में ख़राब हो गई। तो अब उम्मीद यही की जा सकती है कि आने वाले समय में हो सकता है कि भाव यही रहे या थोड़ा बढ़े, तो हो सकता है उनको बेनिफिट हो, उनको फ़ायदा हो। वरना अभी ओवरऑल जो रिपोर्ट के अनुसार वो जो बता रहे हैं उनका यही देखने को मिल रहा है कि इस बार हमको अगर ज़्यादा भाव मिलता है तभी हम जो हमारा प्याज ख़राब हुआ है उसकी भरपाई कर पाएंगे। क्योंकि वास्तविकता ये भी है कि कुछ प्याज 5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये वो भी बिक रहा है। बाकी देखो क्या होता है आगे, किस तरह की आवकें रहती है। लेकिन एक चीज़ इस बार क्लियर है कि जो आवकें हैं वो हो सकता है कंट्रोल में रहेगी, और जिस हिसाब से प्याज पैदावार होना था उस हिसाब से नहीं हुई है, तो हो सकता है कि मार्केट भी कहीं ना कहीं सुधरा हुआ है देखने को मिले आने वाले समय में। बाकी तो जो भी होगा अच्छा होगा। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह के अगर भाव आपको सटीक और सही लग रहे हैं तो कमेंट्स के माध्यम से जानकारी भी दीजिए। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। क्या बिके वाली? 37। कौन सी? ये वाली किसान भाई? ये वाला बिका 37 रुपये के हिसाब से। देखो प्याज भी बढ़िया है और ये वाला बिका 37 रुपये के हिसाब से। इस तरह का प्याज है कहीं ना कहीं 37 रुपये। बाकी और भी पूछते हैं, और क्या भाव? 28 लगा हुआ ये वाला। ये आपका था क्या? ये वाला क्या बिका? 25। और ये वाला 37। 37। ये वाला 25। ये वाला बिका किसान भाई 25 रुपये के हिसाब से। ये 25 37 है 37 नहीं है, क्यों पकड़ गया? 37 है, 37 37 33 नहीं, ये वाला 37 है किसान भाइयों। अभी ये आप कितने कट्टे लाए थे? ये 45। अभी इस बार पैदावार कितनी हुई? ये समझ लो 50 से भी कम हुआ। 50 से भी कम हुआ। अच्छा, टोटल खराब कितना हुआ इस बार? ये करीबन 60% से ऊपर हुआ। 60% खराब। कहाँ से लेके आए माल आप? ये बगाड़ से। ये किधर आ गया? बड़वानी जिला। बड़वानी जिला। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक है दादा, ये 3000 हमारी है। ये वाला बिका 3000 रुपये के हिसाब से, 30 रुपये के हिसाब से। मैं देखो गोल्टी भी है, बड़ा भी है, छोटा भी है, सब तरह का माल है। ये किसका? आपका ही माल है? कहाँ से आए आप लोग? बड़वानी से। बड़वानी से। इस बार कितना माल खराब हुआ उधर? बहुत ज्यादा। 50% 60% कितना? 50% इतना खराब होगा? एक एकड़ में कितना पैदावार हो रहा है? 40 रुपये। अच्छे वाले की खराब है? सब टोटल मिला के 40-50। और अच्छे कितने निकल रहे उसमें? 30-40 कट्टे। ठीक है, जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक है दादा, क्या लिखी? 15 रुपये। ये वाला क्या लिखा? 15 के। 15।
नया को बेचा है ना? बोलता 17 रुपए। क्या रुपए? 17 रुपए। कौन सा, ये वाला? ये वाला बता रहे 17 रुपए के हिसाब से बिका है। ये वाला बता रहे 17 रुपए के हिसाब से। पक्का 17 रुपए? 1700 रुपए। किसका है? आपका है? ये क्या भाव बिका? 17 रुपए। अच्छा, अच्छा वाला क्या बिका? अच्छा वाला बेचा 36 रुपए। 36 रुपए। ये पीछे वाला अपना क्या? क्या क्या ये वाला? ये अभी नहीं बिका, अभी नहीं बिका। चले ठीक, जय जवान, जय किसान, जय बलराम। 34 रुपए लगा हुआ किसान भाई फिलहाल। 34 लगा हुआ कहीं नहीं। 34। ये किनका ये वाला? 34 अभी नहीं बिका। ये किसान भाई, ये वाला नया प्याज है जो कि बिका 39 रुपए के हिसाब से। इस तरह का प्याज आप देख सकते हो, बड़ा साइज भी है, बढ़िया साइज है, सूखा वाला भी है, मतलब नया है, लेकिन नया में भी कहीं ना कहीं दागी टाइप नहीं है अगर आप देखते हैं तो। और ये वाला गया 39 रुपए के हिसाब से, 39 ना। चलिए और भी देखते हैं इधर आगे। 28 लगा हुआ है। 33 रुपए। 35। 33 के 35। 33 33। ये वाला गया 33 रुपीज़ के हिसाब से, 33 रुपए के हिसाब से। इस तरह का प्याज आप देख सकते हो। और ये वाला गया 33 रुपए के हिसाब से, 33। ये किसका माल है? मालदार किसान भाई कहाँ है? ये क्या क्या गया? 33 रुपए। क्या बिकते देखा दादा? 33। ये भी लगा हुआ 12 कहीं ना। 12 रुपया जैसा माल वैसा दाम। 13 रुपए लगा हुआ ये वाला प्याज किसान भाई। 14 लगा हुआ किसान भाई। 16 रुपए किसान भाई। ये वाला गया 16 रुपए के हिसाब से। इसमें देखो आप, लंबा साइज प्याज भी इस तरह का प्याज है। और ये वाला गया 16 रुपए के हिसाब से। दादा क्या भाव बिका है? 16। चलिए जय जवान, जय किसान, जय बलराम। दादा आप लोग कहाँ से आए हो? खंडवा से। अच्छा मुझे एक सही बात बताना, अभी खंडवा में इस बार कितना माल खराब हुआ है? 50% खराब हुआ। तो एक एकड़ में अपना कितना निकल रहा है? 35 कट्टे 30 कट्टे 40 कट्टे। ये अच्छे वाले की टोटल मिला के? अच्छे वाले। और खराब कितने निकल रहे हैं? 60-70 कट्टे। तो जो जैसे 35-40 वाले जो जा रहे हैं, वो अभी भाव क्या मिल रहा है आपको अभी? 3000 से 3500 के बीच में मिल रहा है। और जो बिल्कुल खराब हो चुका उसका क्या मिल रहा है? 5 रुपए से 10 रुपए के बीच में। मतलब अगर देखा जाए तो ओवरऑल इस बार दिक्कत में ही है किसान। मतलब अगर भाव अगर ये 40-45 तक जाए, 45 तक, तो फिर अपन खर्चा निकलेगा। अच्छा। और इस बार पैदावार भी मैंने सुना कम हुई है, सही बात है क्या? हर बार कितनी पैदावार हो जाती है एक एकड़ में? 200-250 कट्टे। मतलब टोटल मिला के उसमें अच्छा कितना निकलता है? 200 कट्टे फ्रेश निकलते। इस बार कितने निकले? 40 कट्टे। मतलब पैदावार भी बहुत कम मात्रा में है। मतलब इस बार अगर देखे तो 100-125 कट्टे के आसपास पैदावार है। अगर हर साल 200 कट्टे आप बोल रहे हो, तो उस हिसाब से इस बार पैदावार भी कम है। तो उस हिसाब से तो फिर देखा जाए तो भाव अच्छे और मिलना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। जय जवान, जय किसान, जय बलराम। ठीक है दादा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अभी महाराष्ट्र में इस बार कितना प्याज खराब हुआ आपका? एक एकड़ में ना 70% खराब है। 70% खराब है। अब मेरा मेन प्रश्न सुनना, उसके बाद आप आंसर करना भाई। एक एकड़ में इस बार पैदावार कितनी हुई, चाहे खराब हो चाहे अच्छी हो, कितनी हुई दादा? 25। अभी टोटल कितना हुआ? 100 कट्टे। अब उसमें से मुझे बताओ अच्छा वाला कितना है? अच्छा वाला 30 कट्टे। बाकी 70 कट्टे क्या है? खराब है। अच्छा अभी जब आप अभी बाजार में आप लेके आ रहे प्याज, तो ये जैसे इस बार 100 कट्टे हुए, हर बार आपके वहाँ पर एक एकड़ में कितना प्याज हो जाता है? जैसे इस बार 100 हुआ, हर बार कितना होता है? 250-300 हो जाता है। 250 से 300। मतलब इस बार दो चीजें हुई है, एक तो पैदावार भी
कम हुई है और दूसरी जब पैदावार हुई भी है उसमें भी करीबन 70-60% खराब माल हुआ है। ये सही बात है, मतलब दोनों तरफ से मार लगी हमको। एक तो पैदावार नहीं मिली, और जब पैदावार नहीं मिली तो जो पैदावार थी उसमें भी 70% हमारा क्या हो गया, नुकसान हो गया। मतलब अगर देखा जाए तो हम लोग वहीं के वहीं आ गए, न फायदा न नुकसान। मतलब मेहनत जो करी वो सारी बेकार गई। अच्छा मुझे बताओ, अभी जो नया प्याज लेके आ रहे हो जो अच्छा वाला है, उसका अभी आजकल भाव क्या मिल रहा है आपको? अच्छे वाले की बात कर रहा हूँ। 3,000 तक जितना। 3,000 3,500 अच्छा से अच्छा। और कुछ एक अच्छा है जो 38-40 जो मैं देख रहा हूँ, बाकी कुछ एक है वो, बाकी ज्यादातर 3,000 से लेकर के 35-36 रुपए तक आपको। अच्छा जो खराब वाला है वो भी लेके आए होंगे आप थोड़ा बहुत, तो उसका क्या भाव मिल रहा है अपने को? 3-4 रुपए। मतलब कुल मिला के नुकसान में ही है। अब इसकी भरपाई सिर्फ एक ही हो सकती है कि प्याज का भाव बढ़ना चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं भरपाई हो सकती, वरना भरपाई नहीं हो सकती। किसान भाई ये कि ये कंडीशन जब ये, आप कौन से मतलब महाराष्ट्र के कौन से एरिया का बता रहे हो? धूलिया। इसके आसपास यही कंडीशन है सबकी? क्या महाराष्ट्र में पूरी जगह यही कंडीशन है कि 50-60% खराब है? ये वास्तविक रिपोर्ट है। अच्छा इसमें कोई खंडवा वाला किसान भाई है क्या आप में से? कोई खंडवा वाले है क्या कोई इधर? नहीं है। खंडवा में भी शायद यही चीज सुनने में आ रही है कि खंडवा में भी यही कंडीशन हुई कि ज्यादातर माल क्या हुआ है, खराब हुआ है। तो क्या आप सभी महाराष्ट्र वाले? आपका कितना प्याज खराब हुआ दादा? प्याज खराब हुआ है सर जी। इतना क्या झगड़ा दादा आपका? कितना अभी इस एकड़ में कितना हुआ था? एकड़ में सर वो 100 कट्टा निकला था। ठीक है, उसमें से 70% जो है वो खराब हो चुका है। 20-25% माल जो निकला अच्छा प्याज वो मंडी में लाया है। तो उसका क्या भाव मिल रहा अभी आजकल? आजकल वो 2500-3,000 तक बेच रहा है। 3,000 तक बेच रहे हैं। और जो बिल्कुल खराब वाला है वो 3-4 रुपए के ऊपर नहीं। और कुछ खेत में भी फेंका होगा आपने? खेत में 10% तो खेत में फेंका है। आपका आपका क्या कितना पैदावार हुआ आपका? मेरा अभी मैं जो एकड़ में है ना 40 कट्टा निकला टोटल। खराब वराब सब अच्छा सब मिला के? खराब खेत में है। खराब खेत में। और अच्छा वाला कितना निकला है? अच्छा वाला 29 कट्टा। मतलब दिक्कत है, मतलब इस बार सबके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं दिक्कत ये है कि भैया पैदावार भी कम है और उसमें पैदावार होते हुए भी जो अच्छा वाला वो भी कम है, तो उस हिसाब से भाव अगर बढ़े तो ही कहीं ना कहीं हमको भरपाई मिल पाएगी, वरना पॉसिबल नहीं लग रहा है। चलिए यही उम्मीद कर रहे हैं कि भाई धीरे धीरे भाव बढ़ जाए, बाकी तो देखो अब क्या होता है, जो अपन कोशिश कर सकते वही कर सकते। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक है दादा भाई, एक और प्याज है जो बिका है 27 रुपये के हिसाब से, नया प्याज है। इस तरह का प्याज आप देख सकते हो, बड़ा साइज में भी यही है और बिका 27। ये किसका माल किसका है? बद्री बद्री की दलनिया। हाँ चलो, अभी कहाँ से आए आप? किधर आ गया ये? राजपुर की तरफ। अच्छा मुझे बताओ अभी राजपुर की तरफ भी क्या माल खराब हुआ कुछ ऐसी? कितना प्रतिशत खराब हुआ है? 50% खराब हुआ है। पैदावार कम हुई कि ज्यादा हुई पिछले साल से? ज्यादा हुई पैदावार, मतलब प्याज ज्यादा पैदा हुआ है पिछले साल से जो हमेशा हो रहा हो। माल कम निकला है? नहीं नहीं, पैदावार कम हुई है। आप भी उधर के एरिया के? कितनी पैदावार हुई है? 50%। मतलब जो हर साल होता है उससे 50% हुई इस बार, और 50% में खराब कितना हुआ है? 25% खराब है। मतलब फिर भी अगर आपके इधर देखा जाए तो कम खराब है, लेकिन महाराष्ट्र और खंडवा में बहुत ज्यादा मात्रा में खराब हुआ है। अभी आजकल आपको भाव क्या मिल रहे हैं? हमको ये 20-22। 20-22 और अच्छे वालों में? अच्छे में 20-22। ये जैसे आज ये इस तरह का ये क्या व्यापार बिका था? 27 बिका है 24? 27 27 बिका ना कस्टमर वो रहा वो ये उनका ही दादा सही बताओ क्या भाव गया है? वास्तविक बताओ दादा क्या भाव बिका था? 25। हाँ मैं वही बोल रहा, वास्तविक बताओ भाई। किसान भाई ये वाला 25 ही बिका, ये वाला किसान भाई 25 ही बिका है, 27 नहीं है। मैं पहले बता दूँ 25 रुपये आपने खरीदा ना। अच्छा ऊंचे में कहाँ तक खरीदा आज आपने? 2700। ये किस साइड का माल खरीदा आपने? ये इधर खंडवा और राजपुर इधर का ही खरीदा? महाराष्ट्र का कुछ खरीदा आपने? अच्छा महाराष्ट्र में खरीदा। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक है दादा, चलिए और भी पता करते हैं। दादा आप लोगों का माल बिक गया? क्या भाव बिका आपका? 14-15 का। कौन सा वाला था? ये वाला। क्या भाव बिका है? 14 रुपये। इधर में देखो ये इस तरह का प्याज है जो कि बिका 14 रुपये के हिसाब से, छोटी साइज है, गोल्टी है आप देख सकते हो इसमें, और ये बिका 14 रुपये। ये आप कितने कट्टे लेके आए थे?
9 कट्टे। और अभी इस बार टोटल पैदावार कितनी हुई अपने खेत में? पैदावार तो कहीं भी बहुत कम हुई। बहुत कम, कितना टक्का खराब हुआ है, कितना प्रतिशत खराब हो गया हुआ? 15 कट्टा 17 कट्टा खराब था। अच्छा वाला। और खराब कितना है? खराब तो 30-35। मतलब ज़्यादा पैदावार भी ज़्यादा नहीं हुई है और उसमें खराब ज्यादा हुआ है। तो अभी अच्छा वाला क्या भाव मिल रहा है? अच्छा बड़ा वाला जो प्याज अच्छा वाला, उसका क्या भाव मिल रहा है अभी? 2700-2800 तक। ये आप किधर के, कौन सा एरिया बता रहे आप? हाँ जी, राजपुर। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। और ये बड़ा वाला क्या गया था, इधर वाला? हाँ जी, नहीं सुने नहीं। अच्छा नहीं सुने अभी आपने। आपका भी क्या, आपका क्या भाव? उधर है 15 का। अच्छा उधर है अभी। चलिए, जय जवान जय किसान जय। मार्केट क्या देखा आज आपने? आज मार्केट भैया 50-52-54 तक देखा। जो नया वाला, पुराना वाला? हाँ पुराना वाला, मतलब 50-52 ज्यादातर है, वो इक्का दुक्का वाली बात नहीं करेंगे अपन। अच्छा वाला है लेकिन, है ना? अच्छा। और थोड़ा दागी वाले में थोड़ा कम दिखा आज की, क्या हुआ? वो 43-45। ठीक है। और नए में क्या देखा, नए में कुछ देखा क्या? नए में ये 31 31-32। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक है ठीक है। क्या भाव बिका आज प्याज? 43। अभी कितना बचा के खत्म फिनिश? दादा आपका क्या बिका? 46। अभी घर पे कितना बचा हुआ है फिनिश? और गांव में क्या कंडीशन हो गई दादा? गांव में लगभग खत्म हो चुका है। आप भी लेके आए थे प्याज, आपका क्या बिका? 45 और गोल्टी बिका 48। गोल्टी 4800। अच्छा अभी घर पे कितना प्याज है? 50-60। और गांव की क्या कंडीशन हो, गांव में कितना होगा? ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा बहुत बचा, मतलब एंड पे चल रहा मामला। दादा आपका क्या हुआ अभी काज? 45। और घर पे कितना बचा हुआ है? और गांव की क्या कंडीशन होगी? लास्ट चल रहा है टाटा बाय बाय वाला मामला। दादा आप भी लेके आए थे क्या? आप तो खरीदार लग रहे हो। अच्छा दादा लेके आए थे। दादा क्या भाव बिका आज? 40। अभी घर पे कितना माल है? 1000। अभी भी 1000 कट्टे? तो टोटल कितने थे इस बार? दो ढाई। अच्छा 2-2.5 थे। अब गांव की क्या कंडीशन में? आपके पास तो 1000 है लेकिन गांव में कितना है? गांव में नहीं है, मतलब अपन पूरी तरह से रिस्क वाले किसान भाई है, आर या पार वाला मामले वाले किसान भाई है मतलब। दादा आज क्या रहा गोल्टे में, ऊंचा नीचा कुछ? 45-50। गोल्टा तो फिर भी वही मेंटेन ही था कल जैसे ना। दादा क्या मार्केट क्या रहा आज? 40-51 तक ना, अच्छे वाले मतलब 48-51 तक। और बाकी जिस तरह का फिर आज ये देखने में आया थोड़ा सा कि जो दागी पनिया थोड़ा जो मीडियम वाला माल था उस डाउन था, सही बात है क्या? उसका लेवल नहीं है ना। और बाकी अब तो किसान भाई को ऐसे जो बचा हुआ मेरे हिसाब से 5-7 दिन 8 दिन निकाल देना चाहिए, बस वही सही नियम है। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक है, चलिए दादा।